सबको जय मसीह की। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात को बताना चाहता हूँ। आज बहुत से विश्वासियों का कहना है कि हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, 2 साल से 4 साल से 6 साल से, लेकिन हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है। लेकिन आज समस्या लोगों के जीवन में ये है कि लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर चुका है। मैं कुछ पद आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा और यशायाह की पुस्तक 12 अध्याय उसके 40 पद को मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रभु कहता कि जिस दिन वो देखने लगेंगे, जिस दिन वो सुनने लगेंगे, जिस दिन वो समझने लगेंगे, उस दिन मैं उन्हें चंगा करूंगा, उस दिन मैं उनके जीवन में काम करूंगा। सो आज लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है, और उन्हें लगता है कि शायद उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, उन्हें लगता है कि शायद परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, इस कारण परमेश्वर उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। वजह यह है कि हम परमेश्वर को खोजते नहीं हैं, वजह यह है कि हम परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, उसे खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 1 साल से कलीसिया में आ रहा हूँ, चर्च में आ रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं चर्च में आते हुए, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। वजह यह है कि हम आज भी, हमारे जीवनों में वही है कि हम परमेश्वर को जान ही नहीं पा रहे हैं। आज हम परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे हैं। ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु साफ शब्दों में इस बात को कहता है, लेकिन प्रभु ये नहीं कहता कि बेटा तुम मुझे नहीं ढूंढोगे तो तब भी मैं तुम्हारे लिए, परमेश्वर भला है, वो तब भी आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप पहले उसके पास आएं, दीन बन के आए, नर्म बन के आए, उससे मांगे, उससे जो है उसको ढूंढे, उसको खोजे, और तब वो चाहता है कि वो तुम्हारे जीवन में कार्य करे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें उसे जानना है। आज बहुत से मसीह ये भी नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है कि ये लोग ऊँटों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु हमारे ऊँटों की प्रशंसा से ज़्यादा हमारे मन की बातों को परखता है। प्रभु को हमारे ऊँटों की प्रशंसा से ज़्यादा हमारे मन की प्रशंसा भाती है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु कहता है कि हमारा मन उसके लिए खुले। प्रभु चाहता है कि हम मन से उसका आदर करें। ऊँटों से तो सब आदर करते हैं, ऊँटों से सब प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो लोग ऊँटों से प्रभु की महिमा करते हैं वो मन से भी उसके पास होते हैं। प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। प्रभु बाकी हमारे अंदर कुछ भी नहीं देखता, हमारे रूप रंग को नहीं, हमारी कद काठी को नहीं, हमारी बुद्धि ज्ञान को नहीं, लेकिन प्रभु सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। इसलिए मेरे मित्रों, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने हृदयों को प्रभु के योग्य बनाएं, हम अपने मन को प्रभु को दें ताकि हम उस मन से उसकी प्रशंसा करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे जीवनों के लिए। और अंत में मैं इस बात में समाप्त करूँगा कि
आज जो भी लोगों के जीवन में ये समस्या है, बहुत से लोगों के जीवन में समस्या है कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा है, मेरे मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आप पूरे मन से अपने आप को उस प्रभु को समर्पित कीजिएगा। जिस दिन आप समर्पित हो जाएंगे उस दिन सब कुछ आपका हो जाएगा। जिस दिन आप उसे खोजेंगे, उसे ढूंढेंगे, उस दिन वो प्रभु यीशु मसीह आपके बगल में खड़ा होगा, आपके साथ होगा, आपके दुख में, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानियों में वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आप सबके जीवन में प्रभु बहुतायत का आशीष दे। जय मसीह।